वो आएगा जेम ट्यून्स हरियाणवी से। और आज की वीडियो अपडेट की वीडियो होने वाली है जिसमें सुमित गोस्वामी गुलजार ठनीवाला इनके गानों की अपडेट दूंगा, ठीक है। और मैं पिछले 15 दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ, तो 15 दिनों बाद में आया हूँ और इतने दिन कहाँ पे था वो भी इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले बात करते हैं गुलजार ठनीवाला की। तो आपको पता ही होगा गुलजार के घर में एक नई मेहमान आ चुकी है। तो गुलजार के एक बेटी हुई है जो कि गुलजार के बर्थडे के दिन हुई थी, और गुलजार ने उसकी पोस्ट के नीचे लिखा था कि भाई भोलेनाथ की कृपा से यह आज मेरे बर्थडे का सबसे बढ़िया गिफ्ट है आज तक का। आज सुमित गोस्वामी के घर में भी एक बेटे का जन्म हो चुका है, तो भाई ये भी बढ़िया बात है। अब आगे बात करते हैं इनके आने वाले गानों के बारे में। गुलजार ठनीवाला ने जो पहले एक गाने की अनाउंसमेंट की थी डिप्टी के, जिसमें डिप्टी का म्यूजिक था, और उसके बाद में एक पिंटू पावड़ा के पी कुंडू के साथ में भी एक गाना था, और उसके बाद में अंजलि 99 के साथ में भी गाना था। तो भाई उनके गानों में से एक अपडेट मिली है कि पिंटू पावड़ा का जो सॉन्ग है वो मतलब हो चुका है, डन हो चुका है, वो अब बन चुका होगा या बनने वाला है, मतलब कंफर्म है कि वो गाना आएगा। अब कब आएगा इसकी कोई डेट नहीं है, पर हाँ कंफर्म हो चुका है। बात करें अंजलि 99 वाले गाने की, तो भाई उसमें म्यूजिक गुलजार ठनीवाला का होने वाला है, और उसके बाद में डिप्टी वाला जो गाना था उस वो अलग गाना है, वो शायद रोमांटिक ट्रैक है। तो उनमें डेट किसी की भी नहीं है, पर लगभग अक्टूबर में गाना के आने के चांस बहुत है। और यहाँ पे साथ ही गुलजार का जो भाई है उसका भी एक गाना आ चुका है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, सॉरी माफिया नाम है उस गाने का, और उस गाने को सोनोटेक पे आप जाके सुन सकते हो। गाना बहुत ही बढ़िया लगा, गुलजार वाली वाइब आ रही है उस गाने में, जाके सुन सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं सुमित गोस्वामी के गानों की। तो भाई सुमित गोस्वामी ने कई दिनों से गुलजार के साथ जो फोटो थी उनको पोस्ट कर रहा है, रिपोस्ट कर रहा है और रील लगा रहा है, तो ऐसा लग रहा है कि इनकी कोई कोलैब आने वाली हो सकती है, ठीक है। और इसके साथ में सुमित गोस्वामी ने जो उसका गाना है भोलेनाथ 1 उसका पार्ट 2 यानी कि भोलेनाथ 2 की अनाउंसमेंट कर दी है, जो कि भोलेनाथ बहुत ही हिट सॉन्ग था। जब टिकटॉक था तो टिकटॉक पे भी बहुत हिट था, और जब रील्स आए तो रील्स से भी सुमित गोस्वामी कई गाने चले, और जिनमें भोलेनाथ भी एक बार ट्रेंडिंग में आया था। तो अब रील्स ट्रेंडिंग की बात चल ही रही है, तो आपको एक कंपनी बताना चाहता हूँ, अगर आप एक सिंगर हो और अपने गाने का रील्स प्रमोशन करवाना चाहते हो, मतलब अपने गाने पे बहुत सारे रील बनवाना चाहते हो जिससे आपका गाना भी ट्रेंडिंग में आ सकता है, तो आपको एक कंपनी बता दूं जिसका नाम है ग्रो रील्स, और इसकी आपको कॉन्टेक्ट डिटेल यहाँ पे दिख रही होगी, इनसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो या आपके गाने पे बहुत सारी रीलें बनवा देगी, तो कॉन्टेक्ट कर सकते हो, आपके बजट के हिसाब से प्रमोशन करा सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, तो फीलिंग से जो सॉन्ग है उस जैसा एक सॉन्ग आने वाला है जो कि खत्री ने अपने एक रील में एक अनाउंसमेंट की। आगे सुमित भाई के साथ बहुत जल्दी गाना मिलेगा आपको, खत्री एंड सुमित गोस्वामी की कोलैबोरेशन डन हो चुकी है, और वो आएगा जेम ट्यून्स हरियाणवी से। गाना बन चुका है, गाना जेम ट्यून्स पे जा चुका है। बात में इतने दिन कहां पे था, तो भाई मैं थोड़े दिन पहले तो गाने में बिजी था, मेरे खुद के गाने में जिसका नाम है तेरी याद मारेगी, और उसके बाद में थोड़ा बीमार हो चुका था। तो भाई मेरा गाना 25 तारीख को आने वाला था पर नहीं आया, क्योंकि भाई उस गाने में जो ऑडियो थी उसमें थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट की जरूरत और लगी हमको, मेरे को और जो अपना म्यूजिक प्रोड्यूसर है चेरी भाई उनको, भाई हमने उस गाने में और बढ़िया करने की कोशिश की है। तो चेरी भाई है उसने कहा कि भाई ऐसा हो सकता है बढ़िया, तो फिर मैंने कहा हाँ जो बढ़िया हो सकता है तो करो, फिर वो बढ़िया से बढ़िया चीज आने वाली है, तो कब भी आ सकती है, 5-8 दिनों में कभी भी रिलीज हो सकता है। बात यार ये मेरे ऑफिशियल चैनल पे आ जाएगी, तब तक के लिए मेरे और गाने सुन सकते हो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा क्लिक करके। और आज की वीडियो में इतना ही, राम राम।